बॉलीवुड के सुपरस्टार प्रभास की बॉलीवुड के दो खानों के बीच बुरी तरह से फंस गया है। उनके एक तरफ है कुआं और एक दूसरी तरफ है खाई। दूसरे शब्द में कहने का मतलब है प्रभास के लिए सलार रिलीज डेट ढूंढना जी जान लग गया है। एक तरफ सलमान खान की, दूसरी तरफ प्रभास पंगा लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ किंग खान, जिसमें टक्कर लेना की प्रभास का अपना काम बाइक कभी नहीं करना चाह पाएंगे, लेकिन प्रभास के लिए सलार का रिलीज होने की चुनौती बन गई। दरअसल ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किन्हीं वजह से चाहते पोस्टपोन कर दिया गया। अब उस टाइम से पहले ही शुभ अवसर पर शुरू किया था प्रभास नवंबर में अपनी फिल्म रिलीज करने वाली थी, लेकिन ठीक दिवाली में, जी हाँ, जिस दिन सलमान खान की टाइगर 3 आ रही है, वही नवंबर में कैलेंडर की पूरी तरह से फुल है। इस महीने सबसे ज्यादा फिल्म रिलीज हो रही है, जिस वजह से मेकर्स में लगता है कि ये फिल्म लॉन्ग रन नहीं रह पाएगा। इसके लिए महीना पूरा खाली होना बहुत जरूरी है, जिसके दौरान ये बड़ी फिल्म रिलीज ना हो रही हो। इस दोनों ही सलार के मेकर्स ने नजर क्रिसमस डेट पर पड़ी, लेकिन ये भी लोचा है, इस डेट पर पहले ही किंग खान विराजमान हो गए हैं। उन्होंने डंकी की रिलीज डेट कई महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। अब शाहरुख खान से पहले ही पंगा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जीता जागते दौरान उदाहरण अपने सिनेमा घरों में आपने देख लिए होंगे, और मेकर्स ने कभी भी शाहरुख खान के स्टेडियम को परख लिया है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मेकर्स का इंतजार कर ही रहे थे, इसी के बीच शाहरुख खान के खुद डंकी की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया। इसीलिए काफी टाइम से खबर बाजार में गर्म होकर रही है, लेकिन डंकी का पोस्टपोन करते ही, लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है कि प्रभास शाहरुख खान के क्लैश मोड लेने की मूड में बिल्कुल नहीं है।